एक साथ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एक साथ तो नहीं हो सकता यार। एक्चुअल में बैच नहीं बनाने दो ही हैं केवल, बट ये कोविड की वजह से टीम बने हुए हैं, नहीं तो 60 और 50 ऐसे दो बैच बनाएंगे इस साल, नहीं हो जाएगा सर। अभी थोड़ा कोविड का ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर अभी तो टीम ही बनाएंगे, भी टीम भी नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। अभी भी कई लोग हैं जो नहीं आने को रेडी हैं, अभी इस क्लास में देखो 35 है लेकिन आए 20-22 ही हैं, तो दो ऑफलाइन अभी बना देते हैं एक ऑनलाइन बना देते हैं, जिनको नहीं आना जब गया वो केवल ऑनलाइन पढ़ेंगे, मतलब वो ऑनलाइन फिर अलग ही पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते थे ऑनलाइन, और जो आ रहे हैं उनके लिए दो ऑफलाइन ऐसे कर देते हैं। जो लोग भी ऐसे हैं जिनको एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं आता, क्लास के बाद मुझसे मिलो उधर, मैं थोड़ा समझाता हूँ कि कैसे पढ़ाई करो, मैं थोड़ा 4-5 घंटे पढ़ाई शुरू करो तुम लोग, अगर नहीं आ रहा इसका मतलब तुम लोगों ने पढ़ाई की नहीं है अभी तक, तू भी तुझे भी नहीं आता है, तूने बताया नहीं है ना आर्यन। अच्छा ठीक है, तू वाई का पता नहीं उसने नहीं बताया। अच्छा ठीक है, खुद बोलता ऊपर बना लेंगे नीचे। आर्यन शांत है, तू वाई का बता दे। यही तो मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे दिमाग अप्लाई कर, तो उसको पता नहीं अनम्यूट रखना चाह रहा है। नहीं सर, श्योरिटी पे था, अभी काम कर रहा है, रुक गया था। कोई भी सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ काम वगैरह हो तो अपना ये है पुत्रा, ये सर काम बहुत अच्छे से करता है, कई टाइप के सोशल एक्टिविटी के काम में इन्वॉल्व है। एक तो बता ना कौन कौन से कर रहा है। अरे बता दे भाई, शर्माने वाली, ये तो अच्छा काम है यार, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं इसमें। नहीं सर, ये क्लास के बाद क्लीनिंग करता था ठीक है, आगे तो समझ ही रहे होंगे सब लोग।
आगे वैल्यू डालो आपकी, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो गया बी माइनस जीरो। ये अब देखो जब भी कोई कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन में और लिमिट डालना है तो कांस्टेंट को बाहर कर दोगे तो आपको दो बार कांस्टेंट लिखना नहीं पड़ेगा, अगर नहीं बाहर करोगे तो बार बार आपको नीचे बाय टू लिखना पड़ेगा, तो आप टू को बाहर कर दो। यहाँ पे टू बाहर गए, माइनस वन बाई टू आया, आप टू यहाँ पे एक बार अपर लिमिट फिर माइनस साइन फिर लोअर लिमिट। आगे कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, माइनस वन बाई टू इंटू फोर माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू। पहले एक साथ ही सब ऐड कर लेते हैं, सबके नीचे टू है तो ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस वन माइनस ट्वेंटी फाइव, तो माइनस थर्टी बाई टू माइनस फिफ्टी, तो वी की ये वैल्यू हो गई और यूनिट क्या थी, जूल पर के जी। तो सबको आइडिया लग रहा है ना कि अगर E दिया रहेगा तो V कैसे निकालेंगे और V दिया रहेगा तो E कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास E दिया है और V निकालना है तो हमें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है ना, ये करना है। अगर E दिया और V निकालना है और उल्टा अगर हमें V दिया है और E निकालना है ना, V से E निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ER equal to minus dV by dr, जिधर को डिफरेंशिएट करेंगे उधर वाला कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। अब नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है प्लैनेट्स और सैटेलाइट के बारे में, तो नेक्स्ट हम लोग अब सैटेलाइट और प्लैनेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नोट कर लो फिर वो कर। टाइम अभी कितना हुआ है, 20 हो गया, बात और विश्वास कमी है, बहुत सीखा जाए एक मिनट पढ़ा के होता है कभी है, वैसे 10 मिनट है थोड़ा तो पढ़ लेंगे। तू वैसे है कहाँ का प्रॉपर, शिमला बहुत ठंडी पड़ती है, 6 मंथ पहले भी आया था बहुत मुश्किलों में, पहले एक दो मंथ तो अच्छे लगे, फिर लगा कि बहुत ठंडा है फिर चलना मुश्किल है। तो और एक बार वहाँ मतलब 6 मंथ होते होते वो जो थे जहाँ पे कर रहा था वो लोग बोले नहीं सर अभी तो आप जा नहीं सकते, हमारी कोचिंग का क्या होगा, उस टाइम वहाँ जॉब करता था ऐसे अपना नहीं स्टार्ट किया था, तो मैं कहा नहीं उनको तो जाने ही, इतनी ठंड में पढ़ रह नहीं सकते यहाँ पर, बोले नहीं सर ऐसे कैसे, मैंने कहा कि नहीं मुझे जानी है, वो लोग रेडी नहीं हो रहे थे। मैंने एक दिन सुबह सुबह 7 बजे क्लास शुरू होता था, क्लास के ही बगल में मेरा घर था, 5 बजे सुबह ट्रक मंगाया सामान डाला चल दी, क्या कर रही है, वो लोग रेडी नहीं हो रहे थे ठंडी में रही थी सबसे पहले सिटी थी नहीं, मैंने बहुत सारे सिटी घूमे मुझे जैसे लगता था चलो हिमाचल साइड चलते तो उधर कहीं चले गए, फिर एमपी साइड से कुछ एमपी साइड तो नहीं छत्तीसगढ़ से गया था रायपुर में एक बार उस टाइम के लिए, मुंबई रहा हूँ काफ़ी टाइम, दिल्ली रहा हूँ, चंडीगढ़ बहुत सही लगा था मुझे, चंडीगढ़ रहा हूँ, कानपुर रहा हूँ, पटना सर मैं उधर के साइड नहीं गया था, बिहार में थोड़ा मेरे को डर लगता था यार कि उधर का माहौल सही नहीं है ना, बट अभी सही हो गया है। और मैं जब शुरू का बता रहा हूँ उस टाइम पे मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2009 के करीब से, साथ में जब निकला था तो 2 साल तो मैं जॉब ऑफ कर रहा था सॉफ्टवेयर वगैरह, मेरे को बोले थे मॉम बैठ इधर भी नहीं देते इसको काट के
दो दिक्कतें रहती है और रोड रोड भी अच्छा है यार, इस चक्कर में कभी उधर भी रोड आगे है। हाँ अभी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उधर, पट्टे में मेरे को थोड़ा तारीफ था। फिर मैं नासिक जब आया तो मेरे को बहुत सही लगा कि नासिक सिटी आने के टाइम तो मैं मतलब 10 बार मैंने कन्फर्म किया नेट पर पूरा खोजा नासिक कैसा है, चल के रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, पूरा एक्सप्लोर किया। फिर आने के बाद मैं आया था तो बोल के आया था पेस में, तब था मैं उधर मुंबई में देरी में। छोड़ा क्यों सर पेस, आपने 4 साल में छोड़ दिया ना सब लोगों ने? हाँ वो ठीक है, कुछ दिक्कत है इसलिए छोड़ दिया था, बाकी अपना भी तो करना था यार छोड़ दिया। और तो मतलब वही है कि 2 महीने के लिए आया बट मुझे बहुत सही लगा, मैं यही अपनी फाइनल परमानेंट जगह थे यहीं पर स्टार्ट करेगा। अच्छी हो तो नासिक, बाहर कोई सिटी में जाओ तो समझ आता है कि नासिक यार अच्छी है, रोड रोड अच्छे हैं, ग्रीनरी अच्छी है। चंडीगढ़ भी बहुत सही लगी थी। तो कहाँ कल कहाँ तक पहुँचे थे? अच्छा प्लैनेट्स और सैटेलाइट शुरू करना था और टाइम देख रहे थे हम लोग। नया टॉपिक के लिए कम से कम 15 मिनट तो लगता है अभी, और कितना बचा है? इंट्रोडक्शन तो क्या ही है, मून देखा हुआ तुमने, वो है अपना सैटेलाइट और अर्थ अपना प्लेनेट है। तो प्लेनेट के अराउंड सैटेलाइट घूम रहा है, मून घूम रहा पता है, और अर्थ और ये सब किसके अराउंड घूम रहे हैं? सन के अराउंड। तो अपन अब यही देखेंगे कि कौन कितनी स्पीड से घूम रहा है, कैसे फास्ट घूम रहा है। 11th 12th का बोर्ड की बोर्ड बोर्ड का, अच्छा बोर्ड का कुछ टाइम में भी करा देते हैं, बाकी थोड़ा ये वॉच करो।